जब एक महिला या जब एक दंपति जो है एक प्रेगनेंसी के लिए जब कोशिश कर रही होती है, तब उन लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जहाँ पे उन्होंने ट्राई करना चाहिए है। बहुत बार हमारे पास कपल्स आते हैं या फिर हस्बैंड वाइफ आते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, पर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। हम लोग जब उनसे बात करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि कई बार उनको अपना फर्टाइल विंडो जो होता है या फिर एक जो समय होता है जब उन्होंने कोशिश करनी चाहिए उस महीने में, वो उनके बारे में जानकारी उनके पास नहीं होती है। तो आज हम समझते हैं कि ये फर्टाइल विंडो जो 1 मंथ में आता है, ये कब रहता है। कोई भी एक महिला या फिर हस्बैंड एंड वाइफ को जब कोशिश करनी होती है प्रेगनेंसी के लिए, तो ये फर्टाइल विंडो समझना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली ये अगर आपका पीरियड का लेंथ 30 डेज़ का रहता है, तो नॉर्मली ये मिड साइकिल यानी 14th डे से ये 1 हफ्ते तक जो रहता है, ये आपके लिए एक बेनिफिशियल टाइम रहता है जब आप लोग ने घर पे कोशिश करनी चाहिए यानी संबंध बनाने चाहिए, जिससे एक आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि हम कैसे जाने इस फर्टाइल विंडो के बारे में, कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारा फर्टाइल विंडो कब है। तो पहले जो है हम फर्टाइल विंडो के बारे में समझें। नॉर्मली हमारा अंडा एक दूसरे या तीसरे दिन से बनना शुरू होता है, जो जाके कई महिलाओं में 10वें 11वें 12वें दिन में फूटता है, और तब से लेके जो है वो लास्ट के जो 14 डेज़ रहते हैं हमारे, वो हमारा स्टेबल रहता है। तो अगर आपकी साइकिल लेंथ समझिए कि 30 दिन की है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका एग जो या फॉलिकल जो है आपका जो रप्चर होने वाला है, वो आपका रहेगा 12वें 13वें या 14th डे पे। तो ये जो रहेगा ये एक आपका अच्छा फर्टाइल विंडो रहेगा। वैसे ही आप जो है मिड साइकिल, अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कई बहुत सारी महिला आती है बोलती है कि हमें नीचे से बहुत सारा वाइट पानी जा रहा है या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है जो पीरियड के बीचों बीच महीने में हो रहा है, तो ये टाइम रहता है जब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, और ये एक इंडिकेशन है कि दैट मीन्स कि ये आपका समय है जब आपने ट्राई करना चाहिए। आजकल जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, आजकल हमारे पास एक एलएच किट नाम की चीज़ आ गई है, जिसको हम यूरिनरी एलएच किट बोलते हैं, जो हम आपके पीरियड के 8वें 9वें दिन से हम आपको बोलते हैं यूरिन द्वारा टेस्ट की जाए, और उसके अंदर जब 2 लाइन आती है जैसे एक प्रेगनेंसी में आती है, वैसे ही इस किट के अंदर जब 2 लाइन आती है, तो उसका मतलब है कि अगले 2 दिन में आपका फर्टाइल विंडो स्टार्ट होने वाला है। ये किट का महत्व इसलिए है क्योंकि जब हमारे बॉडी में एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करके एक हार्मोन होता है जो रिलीज़ होता है, जो इस हमारे फॉलिकल के ऊपर जाके एक्ट करता है और इसको रप्चर होके जो अंदर से अंडा जो है निकालने में मदद करता है। तो ये जब आपका पॉजिटिव आता है, तो उसका मतलब कि अगले 24 से 48 आवर्स के अंदर जो है आपका ये एग रिलीज़ होने वाला है, और ये आपका सही समय रहेगा कोशिश करने के लिए। तो नॉर्मली ये चीज़ें होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे लिए कौन सा सही टाइम रहता है आपके लिए कोशिश करने के लिए। लास्ट में अगर इन सारी चीज़ों से हमें नहीं समझ में आता है, तो आप कोई भी एक गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, जो आपका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग यानी सोनोग्राफी द्वारा जो है जानकारी पा सकते हैं कि आपका अंडा कैसे बन रहा है, उसकी स्पीड कैसी है, ग्रोथ कैसी है, और कौन सा आपके लिए जो है मोस्ट फर्टाइल टाइम रहेगा घर पे कोशिश करने के लिए। तो एक सिंपल सोनोग्राफी के थ्रू आप ये बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं।